की देर से देखी सकते हैं आपका हमारे स्वागत है आपका हमारे रूम में घाट में। हाँ देखिए करो साड़ी कैसी लड़की है, क्या क्या बोलती रहती है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग, आई होप मज़े में होंगे। तो गाइज आज सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है और है ना ऊपर से हमारे पता नहीं क्या हो गया है पूरी सीलन आने लग गई है। तो मम्मी ने कहा कि जाओ छत पे जितने भी पानी भर रहा था उसको साफ़ करके आओ, क्योंकि है ना हमारा जो पेड़ ना जामुन का वो हमारी छत पर आ गया है और है ना उस छत पर आने की वजह से जो नाले हैं ना वो बंद हो गए हैं। तो अब हम ऊपर जाएंगे और सफाई करेंगे ऊपर की। हम तो क्या ही करेंगे, मतलब सन्नों से करवाऊँगी सफाई, जा रही हो अभी ऊपर उसको लेके। और चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मिलवाती हूँ आपको हमारे घर की सफाई कर्मचारी से जो आज छत साफ करने में लगी है, वह तनु। तो हम इधर बैठ जाते हैं और काम देखते हैं। इसको पैसे तभी मिलेंगे जब ये अच्छे से सफाई करेगी। और इधर देखो कितना पानी भर चुका है, इस पेड़ की वजह से नाला बंद हो गया हमारा, उधर से जाता ही नहीं पानी। और इधर देखो स्विमिंग पूल में पानी डाल रही तनु। तनु नहाएगी क्या इसमें? तेरे लिए है ये, देखो गाइस यहाँ पे स्विमिंग पूल है हमारा जो तनु नहाने के लिए भर रही है इसको, क्यों बोल तनु बारिश के पानी से भर देता है। मैं क्यों नहाऊंगी, तू नहाना सफाई करो बेटा सफाई। ये देखो कितना पानी है यहाँ पे और अब तो आराम से चिल कर रहे हैं। चिल तनु बारिश होने लग गई वापस, क्या कर तू क्या करेगी तो फिर इतना साफ करके। और देखो हमारे घर के पीछे कितनी मस्त ग्रीनरी है। हाँ क्यों गुल्लू भी आ गई सफाई करने के लिए। जा रही हूँ जा रही हूँ। 11 बजे दिन की सुबह होती है। ज़्यादा मत बोले तो काम से काम ज़्यादा ही बोलना पड़ता है, पता कैसे चलेगा ऐसे। ये देखो गुन्नू तो साफ साफ ऐसे लग रहा है जैसे अभी उठ के आई है। 2-3 बजे तक तो फोन चलाई है ये। तो तू क्या इसको देखने के लिए जग रही थी? हाँ कसम से मैं देख रही थी, मैं तो मूवी देख रही थी, मैं मूवी देख रही थी तो गुन्नू देखा ना सुबह सुबह कौन करते मैं ही खा रही हूँ। गाइस ऊपर बहुत तेज बारिश हो रही थी इसलिए हम नीचे आ गए। अब नीचे ना इतना पानी पानी हो रहा है ना क्या बताऊँ आपको, सबके घरों में पानी चला गया, रोड पे इतना पानी जम गया है, मतलब जयपुर में हाल बेहाल हो रहा है। आपके यहाँ पे बारिश आ रही है नहीं कमेंट में जरूर बताना और आपके वहाँ का हाल हमें जरूर बताना। गाइस बारिश तो बहुत तगड़ी हो रही है लेकिन देखो इधर कितनी स्पीड में पानी जा रहा है। ये है रियलिटी और ये है एक्सपेक्टेशन। कितनी प्यारी बारिश हो रही है लेकिन हाल देखो कितना बुरा हो रहा है। क्यों गुन्नू? हमारे सड़कों का हाल इससे भी बुरा है और हमारे घर का हाल उससे ज्यादा बुरा है। चलो दिखाते हैं, कपड़े कमरे में सुखा दिए। चलो दिखाते हैं। बारिश से एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी होती है लेकिन उसके नुकसान भी बहुत सारे होते हैं। वो आप हमारे पीछे कपड़ों के ढेर से देख सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे रूम में। हाँ वाह भाई, अभी तो फिर भी बहुत कपड़े कम हो चुके हैं क्योंकि वे सूख चुके हैं लेकिन ज्यादा थे। 50 रुपए का शर्ट मिला करता था, इतना सब कुछ मिला है और पूरा भाई ये कमरा कम धोबी घाट जाता लग रहा है। मम्मी ने क्या कर दिया, गुन्नू कैसा लग रहा है? रात को मैं इस कमरे में सोई थी, इतना सब भरा हुआ था तो फिर भी खाली हो गया। यहाँ तक कि मम्मी की साड़ी भी लटक रही थी। रात भी देख के रहता है तो जाती और वैसे ही हमारी चीजा को बहुत डर लगता है। ये जाती भी तो लाइट जला कर है। तूने मेरी बेइज्जती कैसे कर दी? क्यों बेइज्जती कैसे कर दी? अच्छी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, बेइज्जती करवा के मम्मी को बुलाते। मम्मी क्या कर रखा है आपने उस घर का हाल? अरे तो बेटा कहाँ सुखाऊं, बारिश देखो कितनी तेज आ रही है। चलो चलो मम्मी क्या करें, देखो गाइस कितनी तेज बारिश आ रही है, बाहर का व्यू दिखा। हाँ बहुत तेज तो बारिश है और बहुत भयंकर। तो आप तो ड्रायर कर दिए थे ना मशीन में? ड्रायर करे तो उसको हवा तो लगानी पड़ेगी ना। अच्छा ऐसा भी होता है कि हम तो सोचे कि काम खत्म। और आज मम्मी कितनी प्यारी प्यारी लग रही है। ओ, मम्मी। अब जा रही मैं खाना बनाने। ठीक है क्या बना रहे हो आज? आलू के पराठे। हाँ भिंडी की सब्जी, प्लेन पराठे। वाह दो दो चीज। गुन्नू को देखो बस नाचने में लग रही है और ये देखो यहाँ पे बाल्टी पानी भर रहा है पूरा ऊपर से आ रहा है। गुन्नू यार तू क्या कर रही है? गेट बंद कर क्या, गेट बंद कर क्या, जल्दी जा जा फोन ले। तो दोस्तों रोड की हालत तो क्या ही बताऊं, आप खुद ही देख लो कितनी भयंकर बारिश हो रही है, पूरा पानी जमा हो गया है यहाँ पे बाहर। इधर को देखो गया।
सो गाइस सुबह से 4 बार बारिश हो चुकी है और इतनी ही तेज, नॉर्मल तो डेली मतलब नॉर्मल तो आ ही रही है रेगुलर, लेकिन अब इतनी तेज़ बारिश 4थी बार हो रही है और वो भी बहुत तेज़ बारिश है। देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी बारिश कैसे हो रही है यार, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। ये देखो हम जूम करके देख पा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं दिख रहा, इतनी तेज़ बारिश है। और वाओ गाइस बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, पत्तों पे भी पानी है, देखो कैसे मस्त लग रहा है, ब्यूटीफुल। गाइस आज हमारे को अंधेरे में खाना बनाना पड़ रहा है, मेरी मम्मी परेशान कर दी है, इधर कर लाइट उधर कर, और ये देखो तन्नु को शर्म ही नहीं है, बैठे बैठे हंस रही है और मम्मी चिल्ला रही है, इधर दिखा ना टमाटर काट रही हूँ ना दाल में। चाटा मार दूंगी साली के, मम्मी हो गया कि जाऊं क्या अब, इसको बंद तो करने दे। अरे यार मम्मी आप बहुत तड़ पा रहे हो, क्या हल्दी नहीं डालोगे? डालो तो हल्दी, चिल्ला रही है। अरे तो ये एक चम्मच इधर डाल ली, फिक्स होता है ना ये तो। जल्दी हो गया क्या, जाओ अब। तू तेरे क्या तक रखी है, अर्जेंट काम है क्या? हाँ बहुत अर्जेंट काम है। कैसे? जैसे कि मेरे को मूवी देखनी है, बोल। गंवार लड़की, लाइट भी डिम आ रही है एक तो। हो गया मम्मी जाओ अब, चलो शुक्रिया था। क्या बोली? बालों से खेल करो। साली कैसी लड़की है ये, क्या क्या बोलती रहती है। अरे पफ बनाती थी, देखो गाइस पफ नहीं है बेटा वो मेरी पफ। अरे मैं बताऊं, मैं बताऊं। हाँ। अरे मैं बताऊं, पफ सारी बता रही, कौन से जमाने की फोटो देख रही है, और काम तो होते नहीं है। मोरे में तो पहले तो बड़ी पतली हुआ करती थी। ज्यादा मत बोल, मैं चाटा मारूंगी तेरे, दूर है तू मेरे से। देखो जीजा का पफ, पफ नहीं है वो, जीजा का पफ, पफ नहीं है वो, जीजा का पफ, जीजा का पफ, जीजा का पफ, पफ नहीं है वो, बाल ही है, हेयर कट ही ऐसे थे। मम्मी को दिखा, मम्मी को दिखा, पफ बनाती थी, पफ वाली जीजा छपरी, जीजा यूं आंखें भी बनाती। वो तो आज भी करते लोग, ओ जुल्फ निकल गई खुद की, तो सवाल है।